प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लेनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा। लोग अलग कहानी थी, ये कि अलग प्लॉट है और इसमें एक गरीबी भी दिखाई गई है, इसमें एक पनौती आदमी को दिखाया गया है। एक ऐसा आदमी होता है जिसका कोई सहारा नहीं है, अनाथ होता है और हर वो चीज़ करता है जो दुनिया की ज़रूरत है और दुनिया उसको सलाम करती है। जिन गाँव वालों ने उसको चोरी के इंजाम में भगाया था वो भागते हुए देखकर कहते हैं कि, और पूरे अपने भागने के दरमियान वो अपने पूरे गाँव वालों को श्रेणी देता है कि अगर ये मुझे बचपन से नहीं भगाए होते तो शायद आज मैं अपने देश के लिए नहीं भागता। तो ये कहानी एक अद्भुत है और प्रिमांशु जी ने इसको बढ़िया से शूट भी किया है। हम लोगों ने लखनऊ में शूट किया और कई जगहों पे शूट किया, इसको गाने भी कई जगह पे हमने शूट किया। तो मुझे करके इस सिनेमा को खुशी मिली कि नहीं ये सिनेमा मेरे लिए, और इसके प्रोड्यूसर जो हैं कलकत्ता से हैं तो, और बड़े अच्छे इंसान हैं वो। हम लोगों ने जो भी कहा कि ये ज़रूरत है, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। उन्होंने शूट करवाया और वो चीज़ें हमें दी। तो ऐसे प्रोड्यूसर को भी रहना इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी होता है। ब्रांड तो बिल्कुल है, जैसे निरहुआ हैं वैसे खेसारी जी भी हैं। खेसारी जी अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है भोजपुरी फिल्म के लिए, तो काफ़ी अच्छा काम किए, उनका अभिनय काफ़ी अच्छा रहा है और सराहनीय है कि वो अच्छा काम की इसमें, इस फिल्म में किए। स्मृति से और मेरा रिश्ता तो पूरी दुनिया के नज़र में पति पत्नी वाला रहता है। हर आदमी बोलता है कि आपके, मैं कितने बार गया हूँ तो बिहार में भी बोलते हैं कि खेसारी जी वो आपकी पत्नी लगती है। हम कहने की पहला जो अनुभव होता है मैंने स्मृति जी से लिया और जीवन में पहला सिनेमा मेरा उनका और मेरा पहला सिनेमा रिलीज हुआ था और वो मेरी सीनियर हैं, उससे पहले उन्होंने काम किया था। लेकिन नाम साजन चले ससुराल से उनका भी हुआ, मेरा भी हुआ, बहुत सारे लोगों का नाम हुआ उस सिनेमा से। तो वो कहीं ना कहीं स्मृति एक मेरे गुरु की तरह भी है कि जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी तो उस समय मुझे सिखाती थी। उस समय मेरा मूंछ दाढ़ी भी नहीं था, आजकल तो खींच दिया है, दाढ़ी ओढ़ी आ गया है, थोड़ा सा छीलता बहुत था पहले। वो अपने आप में एक महान हस्ती है और उनका व्यवहार और रुतबा सब अपने आप में एक अलग है कि जो बाकी जो ये एक्टर या एक्ट्रेस विभिन्न है, वो डिफरेंट टाइप के कलाकार हैं। मतलब कहीं कोई उनको लेकिन परंतु वाली कोई चीज़ नहीं है और वो काफ़ी अच्छे अभिनेता हैं। अब थोड़ा सा जवानी मार रहा है, थोड़ा सा जवानी क्या बोलते हैं उसको, उबाल हो रहा है। हाँ तभी उम्र है, कितना है जी इस उम्र में तो लोग पढ़ते हैं और हम चढ़ रहे हैं। शादी तो हमारे सब कुछ जानने से पहले हो गया था, पता नहीं चलता था कि मेहरारू का मतलब क्या है, तब सब खींच दिए थे, तब तक पते नहीं चलने में। एगो लड़की हो गया हमको 2008 में कि 9 में हमारी बेटी हुई। प्लैनेट भोजपुरी।